भगवत गीता का अनमोल ज्ञान लेने के लिए सब्सक्राइब करें गिव गीता चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आज लोग क्या हो गया है, आज के लोगों की बात कर रहे हैं, आजकल हम लोग किसमें फंस गए हैं? कर्मकांड, रीति रिवाज, इसमें फंस गए और आत्म साक्षात्कार करना भूल गए। इसी को धर्म मान बैठे, इसी को क्या मान बैठे? सुबह जाओ मंदिर में, पूजा करो, हाथ जोड़ो, अगरबत्ती जलाओ, बस खत्म। क्यों जलाओ, किस लिए जलाओ है? क्या मांग रहे हो, क्या चाहिए, किस लिए चाहिए? कभी सोचा? सब अरे जी हमारे घर में तो खूब पूजा पाठ होती, यहां क्या कह रहे हैं भगवान? क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर मैं अवरोधक है, इनके प्रति राग भी और द्वेष भी, दोनों चीज। इधर प्रभुपाद जी बताते हैं अटैचमेंट एंड एवर्जन, कि उसको अवॉइड करना, क्या करना, या तो उससे अटैच्ड हो या उससे एवर्स हो, कि नहीं यार, या तो इतना करने लग जाएंगे सुबह गंगा जी में डुबकी मारे बाहर निकले है? क्यों गार रहा डुबकी? पाप खत्म हो जाएंगे साहब। अबे पुण्य भी तो प्रॉब्लम है, क्योंकि आत्म साक्षात्कार के लिए पुण्य भी प्रॉब्लम और पाप भी प्रॉब्लम, दोनों प्रॉब्लम है। क्योंकि पाप और पुण्य किससे जुड़ा हुआ है? शरीर से। पाप और पुण्य किससे जुड़ा है? शरीर से जुड़ा है, दोनों प्रॉब्लम है। तो यहां प्रभुपाद, यहां भगवान बता रहे हैं कि हमें क्या करना है, कि उनके वशीभूत नहीं होना। कई बार लोग जीवन के अंदर बोलते हैं भाई मैं तो सारे नियम शास्त्रों के पालन कर रहा हूं, तो किस लिए कर रहा है? नहीं तो किस लिए करने का मतलब क्या है? अरे भाई नियम तो अपने आप में पूर्ण तो होते नहीं, नियम तो रास्ता प्रथष्ट करते हैं, रास्ता इजी करते हैं। नियमों का काम क्या है? रास्ते को क्या करना, आसानी से पहुंच जाओ अपने लक्ष्य तक, ये है नियमों का पालन। वैसे कई लोगों में बड़ा अहंकार होता है, मैं तो साहब बचपन से वेजिटेरियन हूं, अटक गया, अटक गया, फंस गया हूं कि बचपन से क्या हूं? शाकाहारी। मैंने देखा बहुत लोगों को बड़ा अहंकार है, मैं बचपन से क्या हूं? फिर कहीं मिलेंगे मैं तो प्याज लहसुन भी नहीं खाया, तू तो प्याज लहसुन में अटक गया। परंतु ये नहीं करने से किस लिए ये तू कर रहा है, नियमों का पालन कर रहा है? क्यों तमो रजोगुणी आहार नहीं करता? क्यों? यानी क्यों क्या पूछ रहा हूं? जवाब क्योंकि होना क्या चाहिए आंसर, कि मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये मेरी आध्यात्मिक प्रगति के अंदर बाधक है। क्या है? बाधक है, इसलिए नहीं कर रहा, और जो मेरी आध्यात्मिक प्रगति में सहायक होंगे उनको मैं यूज करूंगा, मैं तो अटैच नहीं होऊंगा। क्या नहीं होऊंगा? बिकॉज ये नियम सब बॉडी से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? किससे कनेक्टेड है? और हमें क्या करना है? बॉडी की प्लेटफॉर्म से ऊपर उठना है। क्या उठना है? परंतु ये भी नहीं कि आप नियम तोड़ते हो, आप नियमों का इस्तेमाल करते हो। अब नियम क्या बन गए? नियम क्या बन गए? आपको लक्ष्य तक लेके जा रहे हैं। नहीं तो प्रभु जी वेजिटेरियन होने से क्या होगा है? जैसे लोगों को प्रसाद ले लो, अरे दे दो जरा सा, अरे मूर्ख कहीं के प्रसाद का मतलब होता है कृपा, तुझे भगवान की कृपा इतनी सी चाहिए? लल्लू प्रसाद चौधरी, अबे बड़ी लेना पूरी ले,